आज कुछ स्पेशल भाषा भोजपुरी के बचाव खातिर और भाषा भोजपुरी खातिर जरूरी हो गई बा। काहे से कि बर्दाश्त करे के कुछ क्षमता होला और बर्दाश्त भी तब तक करे के चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तब तक ही बर्दाश्त कीजिए जब तक आपको लगे बर्दाश्त करना चाहिए। तो सबसे पहले तो सभी सुनने वाले करोड़ों दर्शक बंधु और सभी मेरे मित्र साथी, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि कच्चा बादाम गाना को लगातार आज 13-14 दिन हो गया और 14 दिन कंटिन्यू ट्रेंडिंग में रखने के लिए, लगातार ट्रेंडिंग में रखने के लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और अथाह प्रेम आप सब ने दिया है, उसके बाद मैं एक SRK म्यूजिक से ए राजा गाना लेके आया हूं जो कि बहुत जबरदस्त है और उसका भी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है। बस धीरे धीरे थोड़ा और ज्यादा उसको प्यार दुलार दीजिएगा तो मजा आएगा। अब आइए बात आते हैं कि भोजपुरी में आजकल एक प्रचलन चला है कि जिसको देखिए वो उठता है और बोलता है कि हम गवैया, हम गवैया, हम गवैया। बात यह नहीं है, बात यह है कि 3-4 लोग जो सिर्फ अपने आप को गवैया कहते हैं माइक लेके, उनका एक मैंने नाम दिया है कि आप गवैया नहीं, आप गवैया कम, आप लंगैया ज्यादा हैं। आपको आप सिर्फ गवैया बोल सकते हैं क्योंकि आप ही बोल सकते हैं, क्योंकि लगभग लगभग पूरे जनता को पता है कि आप लंगैया हैं, आप गवैया नहीं हैं। चलिए रही बात हमारी कि हमने क्या कहा नहीं कहा, हम किसी कल अपने मित्र के एक हम गए थे श्राद्ध कार्यक्रम में, श्राद्ध का एक कार्यक्रम था, हमारे एक मित्र हैं तो हम एक गए थे अपने मित्र के यहाँ, तो वहां पे एक कलाकार में एक लंगैया वहां आए थे, उनको हम गवैया नहीं मानते, उनको लंगैया ही मानते हैं, लेकिन फिर भी लंगैया हम जानते थे कि लंगैया है, फिर भी हमने रिस्पेक्ट दिया क्योंकि हर किसी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए जी, आप अपने आप को गवैया बोलते हैं अपने मुंह में इतना गंदा सा कीड़ा लेके, इतना गंदा शब्द लेके, आपके दिल में इतना जहर भरा है हर कलाकार के प्रति, इतना गंदगी रखते हैं और आप अपने आप को गवैया क्यों बोलते हैं? ऐसा कौन सा आपने गवैया वाला काम किया है? गवैया की पहचान गीत और संगीत से होती है, गवैया की पहचान लंगैया से थोड़ी होती है। आपने क्या किया है अपने जीवन में? खैर आपका जीवन तो, आपका जीवन का अभी तक का कहानी यह है कि सावन में बाबूआ जन्मल है, भादो में बाढ़ आई, ऐसा बाढ़ है ना देखल। अरे अभी तुम पैदा हुए हो, अभी तुम्हारी उम्र 20 साल 18 साल इतना ही हो रहा होगा मेरे हिसाब से, और आप ये बोलते हैं मंच पे कि वो राकेश मिश्रा चल गई होई। आप अपने आप को गवैया बोलते हैं। जिसको बोलने का भाषा नहीं पता है कि हमको अपने से बड़े और छोटे से कैसे बात करना चाहिए, वो अपने आप को गवैया बोलता है। आप ही एक लंगैया हैं, आप गवैया नहीं, आप ऐसे लंगैया हैं। आप क्या करते हैं? पवन जी ने मेरा ये गा दिया, खेसारी जी ने मेरा ये चुरा लिया, रितेश पांडे जी ने मेरा गाया है। सारे लोग आप ही का गाना गाए हैं, सारे लोग को आप ही स्टार बनाए हैं। आपको पता है, आपको तो शायद पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता है कि बुद्धि और दिमाग तो आपके पास नहीं है जहां तक मैं कंफर्म हूं। आपको यह नहीं पता है कि जब से हमारे माननीय पवन सिंह जी गा रहे हैं, जब पवन सिंह जी का पहला एल्बम आया होगा तब आप शायद धरती पर पैदा भी नहीं हुए होंगे, जो मुझे लगता है, या हो गए होंगे, मैं एक बात बोल रहा हूं। लेकिन आपकी उम्र के हिसाब से आज के डेट में सबसे ज्यादा भोजपुरी में अगर कोई गवैया कम लंगैया ज्यादा है तो वो सिर्फ आप हैं। और आप कौन हैं, कैसे हैं, आपको अच्छे से पता है। अगर आप गवैया होते ना तो आपका दिल इतना काला नहीं होता,
आपके दिल में हर बड़े कलाकारों के लिए अपमान नहीं होता, कभी पवन जी का अपमान, कभी खेसारी जी का अपमान, कभी रितेश पांडे जी का अपमान, कभी कोई और मेरे भाई का अपमान कभी किसी कलाकार के ऊपर बोल देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी पहचान गीत संगीत से नहीं होती है। और रही बात कि आपने बोला कि राकेश मिश्रा चल गई हो, राकेश मिश्रा चल गई हो, करा के कैमरा वालों भाई लोग बता दी हो, राकेश मिश्रा नाम है बेटा, आने और जाने का भी मेरा लेवल है, मेरा आने और जाने का भी लेवल है, मंच पे आता हूं तो लेवल से और मंच से जाता हूं तो लेवल से, अभी तुम क्या जानते हो, मेरे लेवल में आने के लिए तुमको टेबल पे खड़ा होना पड़ेगा। आपको मैंने पता है भरे समाज में ये जानते हुए कि आप एक लंगैया हैं, गवैया नहीं है, और आप ही नहीं लंगैया हैं, आप एक ऐसे लंगैया गवैया तैयार हो गए हैं कि आप अपने साथ साथ पीछे पीछे दो चार को और लंगैया पैदा कर दिए हैं। पवन जी ने 25 साल 30 साल मेहनत किया है, खेसारी जी ने 20 साल 30 साल मेहनत किया है, रितेश पांडे 15 साल से मेहनत कर रहे हैं, राकेश मिश्रा को भी गाते हुए 20 साल हो गया, और आप बात करते हो, जहां जाते हो आपको पता है कि आपकी पहचान क्या है। आप अगर गीत संगीत से जाने जाते तो आप किसी मंच पर जाते तो लोग आपको गीत संगीत से जानता, लोग आपको आज के डेट में सिर्फ आप जानते हैं कि हम गवैया हैं, पूरी पब्लिक यह जानती है कि यह आएगा तो किसी न किसी के प्रति जलन होगा, किसी न किसी प्रति गंदा बोलेगा कि अरे, और साथ में एक हमारी बहुत अच्छी एक कलाकारी कलाकार हैं, वो भी शायद उनको भी मैंने देखा, वो भी ताली बजा रही थी। चलिए, आप एक बहुत सम्माननीय कलाकार हैं और आपके विषय में मुझे ज्यादा नहीं, लेकिन एक बात समझ में आई, मैं उनको बोल रहा हूं, लंगैया जी, आपको लंगैया जी, आप जिस लेडी से ताली बजवा रहे हैं, लेडी सिंगर से, उस लेडी सिंगर को न जाने कितना बार कितने मंच पे आप लंबा लंबा माइक दिखा के और गंदा गंदा इशारा देकर बेइज्जत किए हैं और बोलते हैं, कितना ऐसा खंबे लगता है यूट्यूब पे अभी भी तैयार है, जहां तक मुझे जानकारी है। तो सबसे पहली बात कि गाना बजाना तो दूर है, गवैया बनना तो दूर है। चलिए, मैंने माना, मैं मानता हूं कि राकेश मिश्रा गवैया नहीं है, मैं ये भी मानता हूं कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, मुझे गाना बजाना नहीं आता है, लेकिन मेरे ऊपर एक छोटा सा एहसान है, पता है क्या है? मेरे परिवार का जिसने मुझे संस्कार दिया है और मुझे प्यार करने वाले मेरे भगवान, मेरे श्रोता, मेरे करोड़ों चाहने वाले दर्शक, जो मैं कभी नहीं बोला हूं कि मैं कोई कलाकार हूं या बड़ा गवैया हूं या स्टार हूं, मैं एक शून्य हूं, लेकिन एक शून्य से बेटा को, एक गांव, ऐसे गांव में पैदा हुए बच्चे को जो अपने गांव में लाइन बिजली पानी नहीं देखा है 20 साल तक, वैसे बेटा को निकाल के बंबई तक इन लोगों ने पहुंचा दिया, ये एहसान है मेरे दर्शकों का। मैं गवैया नहीं हूं, मुझे गाना नहीं आता होगा, लेकिन अच्छा सोचता हूं, मैं किसी के मां बाप पे सवाल नहीं उठाता हूं, मैं किसी के बच्चों पे सवाल नहीं उठाता हूं, मैं आज तक कोई कुछ भी मुझे बोल ले, मैं जब सुनता हूं कि किसी को तकलीफ है तो मैं खड़ा हो सकता हूं, मेरे पास है तो 2 रुपया दे सकता हूं, कभी किसी का अपमान नहीं कर सकता हूं, कभी किसी को हम जान लेने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, ईश्वर ने हमें भेजा है कि जितना हो सके किसी के लिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा संस्कार सीखो। अपने मुंह में मीठू तो कोई भी बनता है भाई, और आप बोलते हैं, आप जिसका पहला ही लैंग्वेज होता है मंच पे कि राकेश मिश्रा तो चल गई हुई, और बाद में आप बोलते हैं अपने आप को गवैया, छी 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 छी, थू 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 थू, राम 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 राम। एक तो भोजपुरी भाषा का खाते हो, भोजपुरी भाषा से चबाते हो, भोजपुरी के दर्शक के ताली बजाने से और गाना सुनने से 2 रोटी मिलता है, भोजपुरी से सब कुछ चलता है, और उसी भोजपुरी को रोज बदनाम करते हो, रोज भोजपुरी कलाकारों को टारगेट करते हो, रोज भोजपुरी को गंदा गंदा वर्डिंग बोलते हो, रोज भोजपुरी पे सवाल उठाते हो। भाई, आप तो ऐसे
लंगैया हो, गवैया तो हम नहीं ही बोल पाएंगे आपको, आप ऐसे लंगैया हो कि आप बार बार क्या कहते हो, बार बार जिसके पास शब्दों का उच्चारण नहीं है, ठीक है हम बहुत बुरे हैं, हम कलाकार भी नहीं है, हमें बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन क्या मुझे कभी, मैं कोई कलाकार हूं और मुझे कोई रिक्शा वाले भाई, चाहे कोई ठेला वाले भाई, कोई गरीब मेरा भाई बहन मिल जाएगा और मेरे से बड़ा होगा तो हम उसको ऐसे बोलेंगे? ऐसा शोभा नहीं देता है। आप सरस्वती का अपमान कितना दिन करेंगे और कब तक करेंगे? आपको अगर जो बढ़ावा भी देता है तो आपके साथ साथ वो भी गलत है, वो भी क्षम्य नहीं है, क्योंकि आपके एक बढ़ावा देने से, आपके एक लंगैया आने से चार गो लंगैया पैदा हो गए। अगर आप गवैया होते तो आपको गीतों से जाना जाता, संगीत से जाना जाता, लेकिन नहीं, आपको तो जाना जाता है कि आप आएंगे तो कभी कहेंगे पवन जी ने ये कर दिया हमारा, खेसारी जी ने ये कर दिया, रितेश पांडे जी ने ये कर दिया, सारे लोग कर ही दिए। बताइए ये जितने भी कलाकार का नाम लेके, चाहे राकेश मिश्रा जी के लिए आप बोलते हैं या राकेश राकेश खाती बोला कर भाई, कुछ भी होके तारे से दो चार साल का हम बड़ होखबे करो। और मेरा देखिए, अगर आप मेरी बात कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं लंगैया जी, कि आपको साफ शब्दों में बता दूं कि मेरा दिल देखिए कि आपको सामने देखते ही मैंने प्यार से एक 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 छोटे भाई की तरह ट्रीट किया। मैंने किसी चीज का ध्यान नहीं दिया कि आपने कभी क्या बोला, कितना बोला, क्योंकि मुझे पता है कि आप राकेश मिश्रा का नाम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें किसी श्रोता समाज गीत गाव नहीं, किसी चीज का मतलब नहीं है। आप सिर्फ मेरा नाम यूज करते हैं कि हम चर्चा में रहेंगे, हम न्यूज में रहेंगे, लेकिन एक बार बोले, दो बार बोले, तीन बार बोले, और आज भी मुझे गाली दीजिए, उस बात पे मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये जो गवैया वाला आज बात आप बोले ना, ये बर्दाश्त नहीं हुआ। कारण है कि मां सरस्वती हम लोग को भेजी है सबका दिल जीतने के लिए। मां सरस्वती ने इसलिए नहीं भेजा है कि हम अपने आप को भगवान बता दे, हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम ही सब कुछ हैं, हम ही दुनिया चलाते हैं। दुनिया पता है कौन चलाता है? दुनिया चलाने वाले सिर्फ ऊपर बैठे हैं। और रही बात कि जो आप सफाई देते फिर रहे हैं कि हमने सही बोला था, ये हो गया है, आपको पता भी है? आप जो सफाई दे रहे हैं, आपको तो पता भी नहीं है। आप अगर जीवन में जितने भी गंदगी पाल के चल रहे हैं, आप राकेश मिश्रा को गाली देके पर डे नाम कमाइए ना जी, राकेश मिश्रा को उल्टा सीधा बोल के पर डे अपना चर्चा कीजिए ना, आप जिस और दो चार को लंगैया पैदा हुए हैं, एको पिछले 10 दिन से चिरा रहे थे कच्चा बादाम कच्चा बादाम। मैं गवैया नहीं हूं, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं बचता है थैंक यू बोलते बोलते और अभिनंदन करते करते। वो 70 लाख लोगों ने जो आज पिछले 13 दिन से ट्रेनिंग में रखा है कच्चा बादाम को, वो भगवान जिसने राजा जय ना बहरिया जैसे गाने को सुपरहिट बनाया, वो श्रोता जनता जिसने राजा जवान लड़का को सुपरहिट बनाया, और वही श्रोता जो पिछले 20 बरस से मुझे एक अपने बेटे की तरह, एक छोटे से गोद में लड़का की तरह हमको पालता है और रखता है और मेरा जिंदगी चलाता है, मेरे परिवार का जीवन चलाता है। मुझे अभिमान है कि मैं अपने भोजपुरी में गाता बजाता हूं और मुझे ये भोजपुरी परिवार इतना प्यार आशीर्वाद दुलार देता है। और आपको क्या अभिमान है कि हम लंगैया हैं, हम मंच पे आएंगे और उल्टा सीधा बोल के और यूट्यूब में चले जाएंगे, लोग चढ़ा देगा। क्या संस्कार है जी। चलिए, आपने तो अपना परिचय दे ही दिया है, हमको क्या बोलना है? आपने अपना परिचय दे दिया है और लगभग लगभग पूरी दुनिया जानती है आपकी परिचय कि आप ही एक लंगैया महाराज हैं, आपको बुलाया ही जाता इसीलिए है कि आप कुछ ना कुछ उकट अकट बोलेंगे, लेकिन फिर भी हमारी दुआ है कि जिंदगी में एक बार गवैया बनने की कोशिश कीजिएगा।
एक बार गीत संगीत से अपना अपना रिश्ता जोड़िए। अरे तारे से और अकेसवा चलिए गइल होई, ओकरा के बता दियो लोग, ओकरा के समझा दियो लोग, यूट्यूब देखा दियो लोग, धनी होता है लोग तू धनी तो मुनि तू बड़ महान है यार। जानते हैं, चलिए ठीक है, एक बात की तो खुशी है हमको कि कम से कम आप राकेश मिश्रा का नाम लेते हैं तो थोड़ा आपके चेहरे पर चार्मीन आता होगा, दो चार हजार लोग आपको पूछ लेते होंगे, ये भी मजा आता होगा। राकेश मिश्रा को तो ये ऐसे बोलते हैं जैसे राकेश मिश्रा से ये 10-12 साल बड़े हैं। हाँ, बड़ा सम्मान देते हैं आप। लेकिन चलिए, जो भी हैं आप, हैं तो किसी माँ के बेटा है, किसी बाप का अभिमानी है, कितने भी बुरे हो जाएंगे तो एक छोटे भाई ही होंगे हमारे लिए। अगर आप किसी दिन जब गवैया बनकर प्रस्तुत होइएगा ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी। हो सकता है कल सुबह आके और 2-3 हजार गाली आप दीजिएगा, तो उसके लिए भी आपको अभिनंदन, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। आपके बाद हम तो जैसे आप चिल्लाते हैं लंगैया जी, वैसे 2-3 को और लंगैया तैयार कर दिए हैं आप। यही तो विडंबना है कि हारमोनियम बजाने पे कम, रियाज करने पे कम, संगीत सीखने पे कम, भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ाने पे कम, और भोजपुरी में गरियाने का प्रक्रम आप लोग ज्यादा चालू कर दिए हैं। तो माननीय लंगैया जी, आपने कल जहां ये शब्द बोला है वो मेरा परिवार है, आपको पता है कि नहीं है बात, वो पैसे से एक यादव परिवार है। आज आपको मैं समझा रहा हूं, आप जो गंदी राजनीति खेलते हैं ना मंच पे घूम घूम के जात पात छोट बड़ ऊपर नीचे, आपका हर खेला हम समझते हैं। एक संगीत ही गंगा जल की तरह पवित्र था, जिसको आप जैसे लंगैया लोगों ने आके जात पात 3-13 बड़ा छोटा सिर्फ अपना अपना व्यूअर्स लाइक बढ़ाने के चक्कर में आपने बर्बाद कर दिया, जिस भाषा का रोटी खाते हो। अरे आप लोगों को तो ये जनता भी भगवान है, कृपा है कि क्षम्य कर रहा है, वरना आप लोग 19 साल 20 साल उम्र हुआ है जी, आपकी आपकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए है? आप बतियाते हैं जैसे सारे कलाकार के आप मैंने परदादा जी हैं है? परदादा जी हैं यार, परदादा जी हैं, दादा बने हुए हैं सबका, मैंने ये गा दिया, मैंने वो गा दिया, क्या गा दलो। अरे आपसे करोड़ों गुना ज्यादा अगर कोई संगीत से नाम कमाया तो अंकुश राजा ने कमाया, अरविंद अकेला कल्लू ने कमाया, उसने अपने मेहनत पे ध्यान दिया, अपने कलाकारी पे ध्यान दिया, अपने से बड़ों का सम्मान किया, और आप जी हम ये कर दिया। इस दुनिया में घमंड किसी को नहीं रहने दिया, रावण को नहीं रहने दिया, तो आप कहां से रह जाएंगे। और आपको इतनी छोटी उम्र में इतना घमंड है तो पता नहीं थोड़ा और जवान हुए तो आप क्या करेंगे। अब तो ये ईश्वर के ही हाथ में है, लेकिन आपका जो लैंग्वेज था ना, वो गवैया का लैंग्वेज हो ही नहीं सकता है। हाँ, लंगैया का हो सकता है, एक कहावत है भोजपुरी में कि लांगा से गंगा डराली, भोजपुरी में कहावत है कि लांगा से गंगा डराली। और आपने क्या, आपने इतना अच्छा माहौल दिया है कि आपके बाद 3 गो और तैयार हो गए। 15 दिन से एक जना चिल्लाता है, कच्चा बादाम राकेश मिश्रा ने मेरे चुरा लिया। और कलकत्ता में जो कच्चा बादाम बेच रहा था, कहा तार ससुर हवे कि तार दादा हवे। अगर कच्चा बादाम का किसी को रिस्पेक्ट जाता है तो एक गरीब भाई जो कि अपना धंधा कर रहा था, उसका स्टाइल था बोलने का बेचने का, अगर उसके उस स्टाइल को मैंने गीत में प्रस्तुत कर दिया तो क्या गुनाह कर दिया। इतना मुझे मेरे श्रोता ने, मेरे जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मैं मेहनत करता हूं तो प्रस्तुत करता हूं। कच्चा बादाम को जो बना के लाया हूं, आज हर किसी के परिवार में आशीर्वाद और दुआ मिल रहा है, सारे लोग मुझे दुआ दे रहे हैं। यह सोचो
कि अगर मेरा एक कच्चा बादाम सुनने से 2 साल का बच्चा बोलता कि काटा बादाम, मुझे खुशी होती है। एक प्यारी सी गुड़िया बोलती है काटा बादाम, मुझे खुशी होती है। अब आपका भाषण सुन ले, राकेश मिश्रा तो चलिए गई हुई, कितना बढ़िया संस्कार आप दे रहे हैं। आप लंगैया जी, लंगैया जी प्रणाम, लंगैया जी कितना बड़ा संस्कार दे रहे हैं आपको पता है? आप सभी का प्रॉब्लम पता है क्या है? आप सभी का प्रॉब्लम ये हो गया कि आप जान गए हैं कि भोजपुरी का श्रोता कभी एक्शन लेगा ही नहीं। भोजपुरी का श्रोता किसी भी का अपमान कर दो, किसी को उल्टा बोल दो, कुछ भी कह दो तो मजे लेंगे, कुछ कहेंगे नहीं। आप लोग भ्रम में हैं, और ये जो बार बार आप लोग करते हैं ना, हाउ हो 20 दिन से चिल्लाते रहन की कच्चा बादाम हमारा, नया साल को लाइव आया था ना तो एक लाइन बोला था कि मैं तब ही बोलूंगा जब मुझे लगेगा कि आज बोलना चाहिए, वरना मैं इणा कीणा टीना पीणा तो हमको नहीं बोलना है किसी चीज पे, हम अब नहीं बोलेंगे। लेकिन आप मेरा अपमान कीजिए, मैं आपको कहीं से नहीं रोकूंगा। आजादी है, आप गंदा बोलिएगा अच्छा बोलिएगा वो आपका व्यवहार है, आपकी भाषा है। आप सरस्वती का अपमान मत कीजिए। आपका हाल पता है क्या है लंगैया जी? लंगैया जी आप तो चलिए, जिसको शब्द ही बोलने नहीं आ रहा वो गाने बजाने का बात बोल रहा है तो हमको थोड़ा शर्म आ रहा है। आपका लंगैया जी हाल है, आपका आत्मा जानता है कि आप कितना सक्सेस हैं। आत्मा, अंतरात्मा जानता है आदमी का कि हम कहां है, हमारा लेवल कहां है। क्योंकि आपका हाल है कि मुंह में राम बगल में छुरी। आप मुंह से तो मैया दुर्गा जी का नाम लेते हैं लेकिन आपके दिल में खाली जहर भरा हुआ है। कभी इस कलाकार को उल्टा, कभी उस कलाकार को उल्टा, कभी उस कलाकार को उल्टा, कभी वो मेरा गा के नाम बनाए हैं, कभी वो मेरा नाम बनाए हैं। आप ही पूरा गीता सार हो गए, आप ही से पूरा पूरा गीता गीता जो है ना आप ही लिखे हैं, आप ही से पूरी दुनिया चल रही है, आप ही भोजपुरी को चला रहे हैं, हाँ आप ही भोजपुरी को चला रहे हैं। आज तक, अभी तक भरत शर्मा जी, विष्णु ओझा जी, जियालाल ठाकुर जी, पवन सिंह जी, मनोज तिवारी जी, हमारे बड़े भैया माननीय गोरखपुर सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी एक लाइन बोलते हैं, कभी कभी याद आता है मुझे वो लाइन, और वो लाइन आज आप पे लंगैया जी सूट कर रहा है। जानते हैं क्या है कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, ए बाबू ए बाबू ए बाबू, आप ही को हम बोल रहे हैं। अभी छोटा सा, अभी तो शुरू हुए हैं यार, और अभी ये इतना घमंड आपको हो गया है। मुझे नहीं शौक है आपकी तरह जात पात करने का और आपकी तरह दुनिया दिखाने का। मैं जिसके घर पे गया था वो जादव परिवार था लेकिन वो मेरा परिवार था। वो व्यक्ति पिछले 20 साल से मुंबई में है, उसकी लेवल आपको नहीं पता होगी कि वो किस लेवल पे मुंबई में अपना मान सम्मान बनाया है। वैसे भाई के घर पे मैं गया था और आप हमारे परिवार में, आप वहां भी जाके संधि विच्छेद करने लगे, आप वहां जाके उल्टा सीधा बोल के मंच पे आ गए। मैंने उस बेचारे ने कितना शौक से मंच सजाया होगा और आप जाके अपनी गली सड़ी नाली कीड़ा मुंह में लेके और बोल के निकल गए, भाई व्हाट इज दिस प्रॉब्लम। गायक बोलते हैं, गायक हैं, नलायक हो कि गायक हो यार। गायक कैसे होता है? गायक का शब्द ये होता है कि रकिसवा चलिए गई होई, हम गाइए गई होई। बढ़ावा का फायदा उठा रहे हैं ना आप, और अपने साथ साथ और 2-3 को पैदा कर दिए हैं इधर। हाँ, तरक्की करने का यही रास्ता है क्या जो आप लोग बार बार अपना रहे हैं? आपको क्या लगता है कि 20-20 दिन से कोई राकेश मिश्रा को गाली दे रहा है, कोई 50 दिन से बोल, अच्छा ये सब काहे लगी? तो हर जगह हम गाली देंगे ना,
उतना हारमोनियम पे मेहनत कर लेते यार, उतना 4 बजे सुबह में उठ के रियाज कर लेते। आपको किसी ने बताया होगा कि यह रातों रात मिल गया है? नहीं, 19 साल का तपस्या है, समझे लंगैया जी। खाली आप ही अपने आप को गवैया जी बोल सकते हैं। और मुझे, मैं गायक नहीं हूं, मैं मुझे गवैया और बहुत बड़ा स्टार नहीं हूं, मैं जीरो हूं। लेकिन मेरे जैसे गरीब लड़का को, मेरे जैसे किसी गांव के, ऐसे गांव में पैदा हुए जहां की कुछ भी ना हो, और वहां से निकाल के इन करोड़ों लोगों ने क्या मुझे आशीर्वाद नहीं दिया लोगों ने? मैंने हमेशा अपने काम पे फोकस किया। और ठीक है, सबका अपना जीवन है। आपको इस बात में खुशी है कि मैं दुष्प्रचार करके बर्बाद कर देता हूं, मुझे इस प्रकार में खुशी है कि मैं यूपी बिहार भोजपुरी के हर एक परिवार के लिए, अगर उस लायक हो जाऊंगा, उस लायक हूं या हो जाऊंगा, तो मैं हर परिवार के लिए खड़ा रहूंगा और रहूंगा। चाहे इसके लिए मेरे ऊपर कितनी भी बातचीत उठे, कितनी भी बातें हो, कितना भी चर्चा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं हर एक भाई बहन के लिए खड़ा हो जाऊंगा अगर मेरे पास होगा तो, और है तो ठीक है। 5 रुपया नहीं मदद करेंगे, 50 पैसा करेंगे, लेकिन करेंगे, खड़े होंगे। बस आप टारगेट बना लिए हो यार, बस राकेश मिश्रा को कुछ भी बोल देना है। राकेश मिश्रा कहां है? मैंने कहां है? आपका सम्मान करते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से आप मां सरस्वती का नाम लेकर ही रोजी रोटी चलाते हैं, वरना आप लोग बंद कमरे में जितना बोल देते हैं ना, बस यही एक हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि आप लोग लंगैया जी बनने की कोशिश मत कीजिए। अगर गवैया बोलते हैं तो गवैया का गुण लाइए। और अपने से बड़ों का सबसे पहले संस्कार करना सीखिए। हम लोग से कोई भी हमारे बड़े कलाकार आ जाएंगे, हम उनका पैर छू के आशीर्वाद ही लेते हैं, उनसे उनका जात नहीं पूछते हैं, पात नहीं पूछते हैं। मुझे याद है हम रामकृपाल चाचा के घर पे शादी था या बर्थडे था, कुछ तो था, बर्थडे था वहां पे, तो उनके नाती का, वहां पे भरत शर्मा जी आए थे। भरत शर्मा जी हारमोनियम पे नीचे बैठे थे, मैं कुर्सी हटा के तुरंत नीचे बैठ गया, क्योंकि वो हमारे आदरणीय हैं। उन्हीं लोगों के बनाए हुए रास्ते पे आज हम लोग चल रहे हैं। हम लोग दो रोटी खाते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है। तो प्लीज लंगैया जी, आप लोगों को मुझे गाली देना है दीजिए, लेकिन जब माइक पकड़िए ना, तो अपने किसी भी बड़े कलाकार को या छोटे कलाकार को या किसी को अपमानित शब्द मत बोलिए। आप लोगों को नाम कमाना है, हारमोनियम पर मेहनत कीजिए, 4 बजे सुबह रियाज कीजिए, गाना नया नया लाइए, ये धंधा अपनाना छोड़ दीजिए। आ नहीं तो अपनाइएगा तो खुद ही नर्क में जाइएगा। कब तक धंधा चलेगा? मुंह में राम बगल में छुरी। ए बाबू, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। बताइए, एक श्री रवि किशोर शुक्ला जी हैं, हम लोग ऐसे गार्जियन हैं, आज भी मिलते हैं तो इतना दुलार प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि हम लोग मतलब अभिभूत हो जाते हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, जैसा कि कोई भी कहीं भी मिलता है तो प्रेम, प्रेम एक बड़ी चीज है। और एक आप है, आप तो बोलते हैं कि जितने भी लोग सुपरस्टार हुए सब हमारे ही लेके हुए हैं, हमारा ही गाना गा के सुपरस्टार हुए हैं। सावन में जन्म लो भादो, बाबू भादो में बाढ़ आई, वैसा बाढ़ है ना देखनी। बाप रे बाप, इतना ना आप गा दिए हैं, इतना ना आप गा दिए हैं कि आपकी गायकी सुन के तो पवन सिंह जी शर्मा आ जाए, खिसारी जी शर्मा आ जाए, रितेश जी, समर जी, कलू जी, सारे लोग शर्मा आ जाए। भाई
कि अरे भाई बड़ा खतरनाक गाते हैं, इनके सामने तो हम टिकेंगे ही नहीं। चलिए हम तो गवैया नहीं है, हम तो पहले ही बोल दिए कि हम गवैया नहीं है, हम तो एक करोड़ों लोगों का एक हर घर का हर हर माँ बाप का हर किसी के दुआ का एक एक थोड़ा सा टुकड़ा हूं मैं, एक बच्चा हूं निकला हुआ जिसे इन लोगों ने भोजपुरी में स्थान दे दिया है। मैं किसी लायक नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं आता है। लेकिन क्या शब्द इस्तेमाल किए हैं आप, खूब तरक्की कीजिए, खूब आगे बढ़िए। आज हमको गाली दे रहे हैं, कल अपने अगले बगल देना शुरू कर दीजिएगा। जब मुंह में कंटिन्यू यह रहेगा तो यही ना कीजिएगा। एक कहावत है कि बाबू जैसा रूल लक्षण सिखा वो सही आगे शुरुआत रही। और हमको गाली देने के लिए मंच का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उल्टा बोलने के लिए विश्व कैमरा में बोल रहे कि कैमरा वालू भाई लो रकेशवा चल गई होई ओकरा के देखा की हो लो। जो आपके सथवा में प्रोग्रामा में लगभग लगभग गाती हैं उनका भी आत्मा जानता है कि आप कितना सम्मान और कितना अपमान करते हैं, जो कल ताली बजा रही थी। तो दो रोटी कमाने के लिए ना, एक कहावत हम लोग यहाँ लोग कहते हैं कि वे नाचने गाने वाले पे भरोसा नहीं होता है, दो रोटी कमाने के लिए ना तत्कालिक जो उलट पुलट हो जाता होगा, हो सकता है कि अपना अपना प्रोफेशनल है, लेकिन कलाकार ऐसे भी होते हैं जिनका अपना वजूद होता है, अपना अपना लेवल होता है, अपनी सिस्टम होती है। हम जिस बात पे आज साल भर पहले बोलेंगे कि अड़े हैं तो उस पर अड़े हैं, लेकिन ठीक है, वो सम्मानीय है, रिस्पेक्टेड है। अब भाई उनको भी पता है कि आपके साथ 8 जगह 10 जगह जाना है तो अभी हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ेगा। लेकिन कितने महान है यार, हम तो अभी तक सोच रहे हैं कि वाह वाह रे सरस्वती पुत्र, अपने आप को सरस्वती पुत्र गवैया मैं हम डीम डांग का कबार दल बनी रघुवर जी का ऐसा कौन दल बनी। कई हजार भोजपुरी परिवार में आ भोजपुरी समाज में हमको तो नहीं पता है कि कहीं किसी की मदद के लिए आप, और आप ना ना लगैया जी आपसे मदद का उम्मीद, बाप रे बाप, आप जो हरे भर के चलते हैं बगली में या पूरा दिल में कि आज क्या उगील दे। बताइए एक संगीत ही है कि आपस में हर किसी को प्रेम देता है, प्यार दुलार देता है, मान सम्मान देता है। वो मेरा भाई सोचा होगा, हम लोग आज तक जब भी मिले हैं तो कभी यादव और पंडित जी नहीं किए हैं, गले मिलते हैं। वो भाई सोचा होगा कि उसके मंच पे वो जाएंगे महान जी हजार के बोले के सवा तो चल गई हुई ओकरा के कह दी हलो उनका के बताई दी हलो। अरे आप ही बता देते हमको फोन करके कि हाँ आप बहुत बहुत खराब काम किए हैं, आप बहुत गंदे आदमी हैं। और अगर आपको लगता है कि आज मैं लाइव आके और अपने लिए दुखित हूं तो नहीं नहीं मेरे भाई, आपको नहीं पता है, आप माइक लेके और इस तरह से शब्द को अपमान मत कीजिए, या तो गवैया ही मत बोलिए, या तो अपने आप को गीत संगीत से जोड़िए ही मत। जब आपको अरे तरे उल्टा सीधा ही बोलना है तो फिर क्या मतलब है दिखावा का। गवैया का ये रूप नहीं हो सकता है कि मुंह में राम बगल में छुरी, नहीं, गवैया का तो ये रूप होता है कि अगर उसको कोई तकलीफ भी दिया है तो वो अपने जाके फिर सम्मान करेगा, झुक जाता है। कलाकार का मतलब होता है मोहब्बत में झुक जाना। मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि हे माँ शारदे इनको सद्बुद्धि दीजिए और इनको रियल में गवैया बनाइए, ये पहले गवैया शब्द समझे। जय हो भोजपुरी, भोजपुरी परिवार। अच्छा रोहित भाई ने निवेदन किया है गाना गाने के लिए, बहुत सारे लोग किए हैं। अब यह मूड में गाना गवा देना मतलब यही होता है कि जनता से बढ़कर कुछ नहीं है। कि हे बरहम बाबा कहिया होई हमर शादी, कि सब धंधा मंदा परल होता बराबादी, कि एक अगुआ आवत नहीं खन लेबे दुआरा ना।
हर राम काच बदम ले लो काचा बादाम। और अंत में काचा बादाम जो एक कलकत्ता के कोई एक मार्केट में जो अपना बेचते थे जो भैया हैं, आपको बहुत बहुत अभिनंदन कि हमारे भोजपुरी परिवार को भी बहुत मजा आ रहा है और हम लोगों ने एक नए तरह से पेशकश किया। और जितने भी लंगैया जी चिल्ला रहे हैं चिल्लाते रहे, राकेश मिश्रा का नाम बढ़ाते रहे, और मैं लंगैया जी गवैया नहीं हूं, लेकिन लेकिन मैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हूं, खेसारी जी हूं, पवन जी हूं, चिंटू जी हूं, कल्लू जी हूं, रितेश पांडे जी हूं, आज तक हम में हिम्मत नहीं है कि हम इनके सामने आए और हम छाती तान के बोले कि हम नहीं नहीं, हम पैर छू लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं, जो मेरे से छोटा है उसको गले लगा लेते हैं, जो मेरा मित्र साथी है उससे हम प्यार करते हैं, हम सभी लोग से प्यार करते हैं। पता नहीं मैं नहीं चाहता हूं भोजपुरी में गवैया का संख्या बढ़े, लेकिन जिस तरह से लंगैया का संख्या बढ़ रहा है, ये लंगैया लोग एक के बाद एक, एक के बाद एक तैयार हो रहे हैं, जिनको किसी ने बता दिया है कि सिर्फ रातों रात आप दिनेश लाल यादव जी बन जाएंगे, पवन जी बन जाएंगे, कैसे, तो आधा घंटा खुद गाली दीजिए, तनी मुनी हारमोनिया पे मेहनत कीजिए, जीवन भर रोजी रोटी चलेगा। एक लाइन आता है हर फिल्म में भी हर जगह, ये जनता है बॉस, सब जानती है। आप लोग जो अपना अपना खेला सेट करने में ये जो कर रहे हैं ना, फिर भी मुझे लगातार जितने भी लोग अपमानित किए हैं, जितने लोग मुझे हमेशा टारगेट किए हैं, मेरे मां बाप ने पैदा करके एक शेर भेजा है जो कि डे वन से, जब से मोहनपुर गांव छोड़ा हूं, अपने कंधे पे अपनी पूरी 19 साल की मेहनत करके और यहां तक विरासत ये बनाया हूं, और इसमें मेरा कुछ नहीं है। आपके साथ दो चार लोग होंगे तो आपको घमंड होगा, राकेश मिश्रा के साथ करोड़ों करोड़ों ये परिवार है जो मुझे आशीर्वाद देता है, बेटा और भाई और परिवार समझ के। जय हो भोजपुरी, जय हो भोजपुरिया समाज। आप सबसे भी निवेदन है कि प्लीज ये लंगैया वाला कारोबार को थोड़ा आप लोग भी देखिए, इस पे आप लोग गहन विचार कीजिएगा। अगर मेरे मुंह से कोई भी त्रुटि या शब्दों का चयन में कभी गलती हुई होगी तो क्षमा प्रार्थी हूं। जय भोजपुरी, जय हो भोजपुरिया समाज।